अलीगढ़ में हुई दर्दनाक घटना के बाद सियासी दलों के द्वारा अपने बयान जारी किए गए, साथ ही प्रशासन के द्वारा पूरे मामले में पूरे तरीके से कार्रवाई की बात कही गई, लेकिन अब किसान संगठन भी इस मामले को लेकर आगे आ चुके हैं। भारतीय किसान सेना के तमाम पदाधिकारियों के द्वारा इस घटना को लेकर बड़ी कार्रवाई की मांग की है। तमाम पदाधिकारी मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय किसान सेना के पदाधिकारी क्या कुछ कहते हैं और इस मामले को लेकर वो किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं। सबसे पहले रुख करेंगे भारतीय किसान सेना के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद समी, मेरा राष्ट्रीय संगठन प्रभारी किसान सेना से। तो क्या कहेंगे, किस तरीके की घटना है और क्या किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? जैसे हमने आज सुबह अपने मोबाइल पे और सोशल मीडिया पर देखा कि जो रात घटना हुई है मामू भांजे पर, जो घटना हुई उस घटना को देख के बड़ा दिल आक्रोश हुआ और मैं किसान सेना की तरफ से घोर निंदा करता हूँ। जो कल रात 10 बजे घटना हुई औरंगजेब के साथ में, मैं अलीगढ़ के पुलिस प्रशासन से ये उम्मीद कर दूँगा उस कार्रवाई उसमें तुरंत कार्रवाई है और कार्रवाई करने के साथ जो दोषी है उन दोषियों को गिरफ्तार तुरंत किया जाए। और इसी के साथ साथ मैं अपने अलीगढ़ वासियों से कहूँगा कि अलीगढ़ शहर में शांति बनाए रखें, कोई ऐसा काम ना हो कि एक दूसरे पर टिप्पणी करें। जैसे सोशल मीडिया पर आजकल वीडियो चल रही है, जो आज दोपहर पथराव का तनाव सुनने में आया, कई मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। जो कुछ लोग हैं बीजेपी के आ रहे हैं वहाँ पे, कुछ और अन्य दलों के आ रहे हैं, किसान संगठन हमारा पूरे उनके साथ है। जहाँ भी हमारे किसान संगठन की ज़रूरत पड़ती है उनके साथ 24 घंटे खड़ा रहेगा। और मैं घोर निंदा करता हूँ जो ये टिप्पणियाँ कर रहे हैं उन लोगों पर कि अलीगढ़ शहर का एक शांति का प्रतीक है। अलीगढ़ शहर जो है तालीम और तहजीब का शहर है, इसमें बहुत शांति प्रिय रखें, मैं अपनी बात यही कहना चाहूँगा। जी बिल्कुल, साफ तौर पर शांति बनाए रखना चाहिए क्योंकि ये सारी चीज़ें जो प्रशासन की होती हैं, प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। अब बातचीत करेंगे जो अलीगढ़ मंडल के अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं जितेंद्र कुमार यादव, अलीगढ़ मंडल अध्यक्ष। मैं घटना को लेकर सबसे पहले निंदा करता हूँ, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। इससे तो ये लग रही है सरकार बौखला हट गई है, हारने का कारण लग रहा है। जो सरकार के नुमाइंदे हैं ऐसी घटनाओं को अंजाम जानबूझकर दे रहे हैं। क्या कहेंगे, जिस तरह से घटना हुई, वीडियो भी वायरल हुआ है, उसके बाद प्रदर्शन हुआ, तो कहीं ना कहीं किसकी लापरवाही मानते हैं? ये पुलिस प्रशासन की लापरवाही है। ऐसी जगह घटना हुई है जहाँ हर पल पर पुलिस खड़ी हुई है, उसके बाद इतनी बड़ी घटना हो कैसे गई? हर जगह 2 कदम दूरी पर हर पुलिस खड़ी रहती है, वहाँ उसके बाद इतनी बड़ी घटना हो गई और पुलिस प्रशासन उसको ना बचा नहीं पाया, तो इससे पुलिस की नाकामयाबी लग रही है हम लोगों को। क्या किस तरीके की कार्रवाई की मांग करते हैं? कार्रवाई हम ये कर, जो दोषी हैं फुटेज में चेक किया जाए और अन्य लोगों को इस तरीके से अगर प्रशासन फंसाए तो उसे हम चाहते हैं कि नहीं फंसाए, अन्यथा जो फुटेज में दिखाई दे रहा है उसे बख्शा नहीं जाए, पीड़ित पक्ष को न्याय मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, पीड़ित पक्ष को न्याय मिलना चाहिए और जो दोषी है वो सिर्फ सलाखों के पीछे जाने चाहिए, अन्यथा किसी पर कार्रवाई ना हो। बिल्डोजर सरकार ने चलाती आई है तो अब बिल्डोजर चलाने में क्यों नाकामयाब दिखाई दे रही है? बिल्डोजर तो तीसरे दिन चल जाती है, अगर बिल्डोजर नहीं चल रही है तो हमारे योगी जी ये पक्षपात दिखाई दे रही है। क्या होना चाहिए? होना चाहिए जो दोषी हैं उन पर बिल्डोजर चलना चाहिए, जैसे अन्य लोगों पर भी तो बिल्डोजर चलती आई है, तो इस घटना पर भी बिल्डोजर चलना चाहिए। हमारी यही मांग है सरकार से। मांग पूरी नहीं हुई क्या करें? तो किसान संगठन किसान सेना सड़कों पर आंदोलन करने को मजबूर होगी पीड़ित पक्ष के। कितने दिन का अल्टीमेटम दिया है? अभी कल मिलने जाएंगे, उसके बाद हम बात करते हैं प्रशासन से भी, उसके बाद बताते हैं। किससे मिलने आएंगे? पहले पीड़ित पक्ष से मिलेंगे, उसके बाद प्रशासन से मिलते हैं। बिल्कुल साफ तौर पर कहना है, पहले पीड़ित पक्ष से मुलाकात होगी, उसके बाद प्रशासन से बात होगी। और योगी आदित्यनाथ से बुलडोजर चलाने की मांग किसान सेना कर रही है। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा है और किसान सेना का एक कार्यकर्ता मान लीजिए आप। देखिए, शहर का संवेदनशील इलाके में इस तरीके की घटना करके प्रशासन ने पूरे अलीगढ़ के शहरवासियों को ये संदेश दे दिया है कि हम कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम हैं और वो नाकाम साबित हुए। हत्या हुई, लड़कों ने इकट्ठा करके मार दिया एक मुस्लिम युवक को, और वो लड़के, उनको कहना बहुत ही गलत बात है, भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता हैं। सब लड़कों की फेसबुक आईडी खोल करके देख लीजिए, सारे लड़का युवा मोर्चा के हैं। जो हार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली उससे बौखला करके ये युवा, इनके जो युवा कार्यकर्ता हैं वो इस तरीके की घिनौनी हरकत इसलिए कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में एक तरीके से इनको मौका मिलेगा हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के लिए। उस लड़के को इसलिए मार दिया गया कि उसका नाम औरंगजेब था,
उसके बाद चार लड़कों की अरेस्टिंग तब हुई, तब शहर के मनपसंद लोग वहाँ पर जाकर के धरना देने लगे। उसके बाद अरेस्टिंग करने वाले लोगों के पक्ष में हिंदू संगठन इसलिए आ गए कि भाई अरेस्टिंग क्यों हुई, और उसके बाद में प्रशासन मूर्ख दर्शक बन के बैठा रहा और उनके खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ वो नारेबाजी करते रहे, पथराव उन्होंने किया, फायरिंग की भी सूचना वहाँ पर मिली। देखिए प्रशासन ने एक भी आदमी को उठा करके जेल नहीं भेजा। पथराव और फायरिंग की अगर बात कही जाए तो सीधे तौर पर वहाँ कुछ लोगों का भी कहना है और अलीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का भी कहना है, ना तो किसी तरीके का पथराव हुआ और ना किसी तरीके की फायरिंग हुई। नहीं, अलीगढ़ प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी तो हुई, दबाकर के नारेबाजी हुई, एक धर्म समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए गए। उसके बाद पूरी वीडियोग्राफी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। चार लड़कों के अलावा अलीगढ़ प्रशासन ने किसको अरेस्ट किया? क्या अलीगढ़ प्रशासन उन पर NSA के तहत कार्रवाई नहीं कर सकता? क्या अलीगढ़ प्रशासन बाकी जो लोग वहाँ पर उपद्रव फैला रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता? और बुलडोजर नीति हर मामले में, उत्तर प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि बुलडोजर से तोड़ देंगे, प्रशासन किसी भी मामले में कोई बात होती है तो बुलडोजर नीति लेकर के आते हैं। अब बुलडोजर नीति कहाँ है? क्योंकि अपने संगठन के लड़के हैं, अपने संगठन के लोग हैं, तो इसलिए बुलडोजर नीति घर पर बैठ गई जा करके। कानून सबके लिए बराबर है। मुख्यमंत्री जी हमेशा एक बात कहते हैं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो सबका साथ सबका विकास है। तो आज अगर एक समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक व्यवस्था बनाई गई, उनके आदमी को मार दिया गया, इसलिए उसका नाम औरंगजेब था, और आपकी बुलडोजर नीति जो है रखी के रखी रह गई। आप सेकुलर नेता जब हैं और आप सेकुलर सरकार तब चलाएंगे, तब उनके घर पर आप बुलडोजर चलाएं। हत्या हुए हुए आज 24 घंटे हो गए, 18 घंटे हो गए, 24 घंटे होने वाले हैं। चार लड़कों की गिरफ्तारी के अलावा कुछ भी नहीं करा प्रशासन ने, जबकि वहाँ पर किस तरीके का उपद्रव हो रहा है आप बखूबी समझते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ साहब साहब, अगर उनके खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई नहीं की गई और बुलडोजर नीति अगर लागू नहीं की गई, तो किसान सेना का एक प्रतिनिधिमंडल कल कप्तान साहब से मिलने जाएगा, उसके बाद जो निर्णय होगा आपको बता दिया जाएगा। और मैं एक बात आपको साफ कर दूँ कि अगर प्रशासन चाहता है कि शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे तो कड़ी कार्रवाई करें, अगर प्रशासन चाहता शांति व्यवस्था नहीं बनी रहे तो दूसरे धर्म के लोग उग्र होंगे, फिर प्रशासन को दिक्कत हो जाएगी। ये साफ साफ चेतावनी है प्रशासन के लिए। तो क्या कहेंगे किसान सेना की, किस तरह की रणनीति रहेगी आगे? किसान सेना हमेशा जो है देश की, प्रदेश की और शहर की शांति व्यवस्था के लिए तत्पर रही है और आगे भी रहेगी। पहले भी किसान सेना हमेशा किसी भी मामले पर रही है तो यही कोशिश हुई है कि शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे। आज भी यही कह रहे हैं कि प्रशासन जिन लोगों पर आरोप लगे हैं उन लोगों को अरेस्ट करके जेल भेज दे, शांति व्यवस्था बनी रहेगी। अगर जेल नहीं, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है, उसके बावजूद भी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, एक धर्म विशेष को काटने धमकाने की कोशिश हो रही है, बजरंग बल के नेता गोली चलाने की बात कर रहे हैं। ये सब तब हो रहा है तब पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर तैनात है। और जहां लड़के की हत्या हुई, आधे घंटे का प्रोसेस चला पूरा मार मार के हत्या करने की, क्या पुलिस प्रशासन की LIU इतनी कमजोर हो गई कि आप उस लड़के को ये नहीं देख पाए कौन मार रहा है कौन नहीं मार रहा? उसके बाद अरेस्टिंग कब हुई? अरेस्टिंग तब हुई जब पोस्टमार्टम हाउस पर जाकर के लोगों की भीड़ हुई, सॉरी मलखान सिंह हॉस्पिटल पर जाकर के। उससे पहले प्रशासन के कान पर कोई जू नहीं रहेगा। उसके बाद जो संगठन उनके बचाव में आ रहे हैं, क्या उन पर कार्रवाई नहीं हो सकती? उन पर भी हो सकती है, लेकिन प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। मेरी फिर रिक्वेस्ट है अलीगढ़ प्रशासन से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पूरे शहर की जनता आपके साथ है, पूरे शहर का हर आदमी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपके साथ हैं। आप इन उपद्रवियों से निपटिए अच्छे तरीके से। अगर आप सक्षम नहीं हैं तो शहरवासी आपका साथ देने के तैयार हैं। अगर आपके लठ में दम नहीं है तो शहरवासी अपने लठ लेकर के आपके साथ तैयार हैं। उपद्रवियों से निपटिए, इस शहर को जो है दंगों से बचाइए, इस शहर में शांति व्यवस्था कायम कीजिए। जी बिल्कुल, साफ तौर पर किसानों का, किसान सेना के जो पदाधिकारी हैं उनका कहना है, लगातार तमाम जो घटना हुई है उसके पीछे तमाम बातचीत रही होंगी, तमाम तरीके की जो भी चीज़ रही हूँ उनको लेकर भारतीय किसान सेना के द्वारा अल्टीमेटम दिया गया है। अगर किसान सेना की बातों को नहीं सुना गया तो किसान सेना कल जो मृतक है उसके परिवारजनों से बातचीत करेगी, फिर उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करेगी, उसके बाद एक बड़ा प्रदर्शन किसान सेना के द्वारा किया जाए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।